हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपके लिए आज 30 मार्च 2020 का करंट अफेयर्स लेकर आया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा फ्रेंड, ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर एक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। दोस्तों है क्वेश्चन कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी पेरिस। दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, समर ओलंपिक जिसे कहा जाता है, इसका आयोजन 2024 में पेरिस में किया जाएगा दोस्तों, पेरिस में। और पेरिस जो है फ्रांस का राजधानी है, और फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, और प्रधानमंत्री हैं एडवर्ड फिलिप। दोस्तों ऑप्शन ए में जो दिल्ली देख रहे हैं दोस्तों, ये दिल्ली जो है 1930 में पहली बार एशियन गेम का आयोजन किया था दोस्तों, न्यू दिल्ली में। और ऑप्शन सी रियो दी जेनेरियो देख रहे हैं दोस्तों, रियो दी जेनेरियो में 2016 में ओलंपिक का आयोजन किया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। हाल ही में दोस्तों, स्किप नहीं कीजिएगा, आगे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है, सारा देखिएगा दोस्तों, छोड़ के नहीं जाइएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को ट्रेस करने के लिए सैटेलाइट कंट्रोल रूम बनाए हैं। दोस्तों कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो कोरोना वायरस से संक्रमित के लिए रोगियों को ट्रेस करने के लिए सैटेलाइट कंट्रोल रूम बनाए हैं दोस्तों, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों को ट्रेस करने के लिए सैटेलाइट कंट्रोल रूम बनाया है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य सरकार दोस्तों। दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका उद्घाटन किया दोस्तों, सैटेलाइट कंट्रोल रूम का दोस्तों। उत्तराखंड के राजधानी है देहरादून, और उत्तराखंड के गवर्नर है बेबी रानी मौर्या। उत्तराखंड में कुल जिलों की संख्या 13 है, विधानसभा सदस्यों की संख्या 70, लोकसभा सदस्यों की संख्या 5, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 3 है दोस्तों। और जब भी दोस्तों उत्तराखंड का बात आता है तो उत्तराखंड से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, जो कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में, दोस्तों ये उत्तराखंड में ही है दोस्तों, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। चलिए दोस्तों एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में भी देख लेते हैं, गोवा देख लेते हैं दोस्तों। गोवा जिसका राजधानी है पणजी, और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद रावत, गोवा के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, और 30 मई को गोवा का राज्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों। गोवा में कुल जिलों की संख्या 2 है, विधानसभा सदस्यों की संख्या 40, लोकसभा सदस्यों की संख्या 2, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है दोस्तों। चलिए दोस्तों राजस्थान देख लेते हैं दोस्तों, राजस्थान जिसका राजधानी है जयपुर, और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और यहां के उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट दोस्तों। राजस्थान के गवर्नर हैं कालराज मिश्र। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या है 33। राजस्थान का राज्य दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को दोस्तों। राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200, लोकसभा सदस्यों की संख्या 25, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है दोस्तों। चलिए दोस्तों उत्तराखंड राजस्थान और गोवा को भारत के मैप पर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये आपके सामने है राजस्थान, जो कि इधर पाकिस्तान के साथ अपना सबसे बड़ा बॉर्डर बनाता है दोस्तों राजस्थान, और इधर गुजरात के साथ अपना बॉर्डर बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, और हरियाणा दिल्ली के साथ, और इधर पंजाब के साथ अपना बॉर्डर बनाता है दोस्तों। अब दोस्तों गोवा देख लेते हैं, ये आपके सामने देखते हो सबसे छोटा राज्य भारत का गोवा है, जो कि इधर महाराष्ट्र के साथ और कर्नाटक के साथ अपना बॉर्डर बनाता है, इधर लक्षद्वीप के साथ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों आपके सामने उत्तराखंड है जिसका राजधानी देहरादून है, और नेपाल के साथ अपना बॉर्डर बनाता है, इधर चाइना के साथ भी अपना बॉर्डर बनाता है दोस्तों, और हिमाचल प्रदेश के साथ, और इधर हरियाणा और दिल्ली के साथ भी अपना बॉर्डर बनाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाल ही में किस शहर की सरकारी अस्पताल में कोविड-19 रोगियों की सेवा हेतु एक ह्यूमनॉइड रोबोट पर परीक्षणों की श्रृंखला आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों किस शहर के सरकारी अस्पताल में कोविड-19 रोगियों की सेवा हेतु एक ह्यूमनॉइड रोबोट पर परीक्षणों की श्रृंखला आयोजित की जा रहा है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान। दोस्तों रोबोट है आपके सामने, और जयपुर जो है दोस्तों ये राजस्थान में आपका पड़ता है दोस्तों, और राजस्थान के बारे में मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था दोस्तों। राजस्थान में स्थित सवाई मानसिंह सरकारी अस्पताल में ह्यूमनॉइड रोबोट पर परीक्षणों का श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों, और इस्तेमाल में किया जाने वाला जो ह्यूमनॉइड रोबोट है दोस्तों बैटरी से चलने वाला है दोस्तों, और इसका जीवन काल 4 से 5 साल है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। हाल ही में
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेल्फ डिक्लेरेशन COVID-19 ऐप लॉन्च किया है? दोस्तों किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन COVID-19 ऐप को लॉन्च किए हैं? तो दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन ए नागालैंड। नागालैंड के मुख्यमंत्री ने सेल्फ डिक्लेरेशन COVID-19 ऐप को लॉन्च किए हैं दोस्तों। नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो दोस्तों, ये आपके सामने है नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन COVID-19 ऐप को लॉन्च किए हैं दोस्तों। ये आपका सामने आपका सेल्फ डिक्लेरेशन COVID-19 ऐप दोस्तों। नागालैंड जिसकी राजधानी है कोहिमा और मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और गवर्नर है आरएन रवि। नागालैंड में कुल जिलों की संख्या 11 है, विधानसभा सदस्यों की संख्या 60, लोकसभा सदस्यों की संख्या 1, राज्यसभा सदस्यों की संख्या भी 1 है दोस्तों। और दोस्तों नागालैंड में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों मेघालय देख लेते हैं दोस्तों। मेघालय जिसका राजधानी है शिलोंग और मेघालय के मुख्यमंत्री है कोनराड संगमा और मेघालय के भी गवर्नर है आरएन रवि दोस्तों, और नागालैंड के भी गवर्नर है आरएन रवि दोस्तों। मेघालय का राज्य दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी को। मेघालय में कुल जिलों की संख्या 7 है, विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 2 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है दोस्तों। चलिए दोस्तों मणिपुर देख लेते हैं। मणिपुर जिसका राजधानी है इम्फॉल और मणिपुर के मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर का भी राज्य दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों, जिस दिन मेघालय का राज्य दिवस मनाया जाता है। मणिपुर में कुल जिलों की संख्या है 9, विधानसभा सदस्यों की संख्या 60, लोकसभा सदस्यों की संख्या 2 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है दोस्तों। और दोस्तों 6 मार्च के बाद नागालैंड में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ऐप अनिवार्य होगा दोस्तों। सभी को यह ऐप सेल्फ डिक्लेरेशन COVID-19 ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा जो भी 6 मार्च के बाद नागालैंड में प्रवेश करेंगे दोस्तों। और इस ऐप का जो वेबसाइट है नागालैंड हेल्थ प्रोजेक्ट .org पर उपलब्ध है दोस्तों यह ऐप। चलिए दोस्तों नागालैंड मेघालय और मणिपुर को भारत के मैप पर देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों आपके सामने है नागालैंड, ये देखिए दोस्तों आपके सामने नागालैंड है जो कि इधर अरुणाचल प्रदेश के साथ, असम के साथ और मणिपुर के साथ अपना बॉर्डर बनाता है, इधर म्यांमार बर्मा के साथ दोस्तों। और ये दोस्तों आपके सामने मणिपुर है जो कि नागालैंड के साथ, असम के साथ और इधर म्यांमार बर्मा के साथ अपना बॉर्डर बनाता है और मिजोरम के साथ अपना बॉर्डर बनाता है दोस्तों। आइए दोस्तों देखिए आपके सामने मेघालय है जिसका राजधानी शिलोंग है जो कि बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर बनाता है इधर, और इधर असम के साथ अपना बॉर्डर बनाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोरोना स्टडीज सीरीज बुक को लॉन्च करेगा कौन? लॉन्च करेगा दोस्तों कोरोना स्टडीज सीरीज बुक को कौन लॉन्च करेगा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट दोस्तों कोरोना स्टडीज सीरीज बुक को लॉन्च करेगा। ये देखते हो कि आपके सामने है नेशनल बुक ट्रस्ट। चलिए दोस्तों नेशनल बुक ट्रस्ट के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। तो नेशनल बुक ट्रस्ट जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके प्रेसिडेंट है गोविंद प्रसाद शर्मा। चलिए दोस्तों एनसीईआरटी का बताया तो एनसीईआरटी के बारे में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। एनसीईआरटी जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और इसके डायरेक्टर है डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति। एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में ही और इसके प्रेसिडेंट हैं रमेश पोखरियाल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना को मात देने के लिए टीम 11 का गठन किया है? दोस्तों किस राज्य सरकार ने हाल ही में टीम 11 का गठन किया है कोरोना को मात देने के लिए? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 का गठन किया दोस्तों कोरोना को मात देने के लिए, और ये आपके सामने दोस्तों योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। दोस्तों यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए 11 अंतर विभागीय समितियों को मिलाकर टीम 11 की स्थापना की है। प्रत्येक समिति के नेतृत्व राज्य के वरिष्ठ नौकरशाह करेंगे जबकि सीएम टीम 11 के प्रमुख होंगे दोस्तों, मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ। चलिए दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या है 75 जो कि भारत में सबसे ज्यादा है दोस्तों। मैं आपको हर बार बताता हूं उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 99, लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है दोस्तों। चलिए दोस्तों बिहार देख लेते हैं दोस्तों। बिहार जिसका राजधानी है पटना और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है, बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75, लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है दोस्तों। चलिए दोस्तों झारखंड देख लेते हैं। झारखंड जिसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। झारखंड में कुल जिलों की संख्या है 24। झारखंड का राज्य दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या 81, लोकसभा सदस्यों की संख्या 14, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 6 है दोस्तों।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चंदन सिंह राठौर का निधन हो गया है, वे कौन थे दोस्तों? चंदन सिंह राठौर, दोस्तों कौन थे चंदन सिंह राठौर? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, एयर वाइस मार्शल। दोस्तों एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह राठौर का हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों, ये आपके सामने है एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह राठौर। दोस्तों सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह राठौर का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है दोस्तों। वह महावीर चक्र प्राप्तकर्ता भी थे दोस्तों। उन्होंने चीन भारत चीन युद्ध जो हुआ था 1962 में उस युद्ध में और 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस युद्ध के दौरान वीर युवा वायु योद्धा के रूप में प्रमुख योगदान दिए थे दोस्तों, एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह राठौर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। किस बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवा शुरू किया है? दोस्तों किस बैंक ने व्हाट्सएप पर भी अपना बैंकिंग सेवा शुरू कर दिया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, आईसीआईसीआई बैंक। दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक ने व्हाट्सएप पर अपना बैंकिंग सेवा शुरू कर दिया है दोस्तों। चलिए दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक का बताया है तो चलिए आईसीआईसीआई बैंक के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। आईसीआईसीआई जिसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में दोस्तों, और इसके सीईओ है संदीप बख्शी, और आईसीआईसीआई बैंक का टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। चलिए दोस्तों एसबीआई के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसके चेयरमैन है रजनीश कुमार दोस्तों, और इसका स्थापना किया गया था 1 जुलाई 1955 को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन दोस्तों। चलिए एचडीएफसी बैंक देख लेते हैं दोस्तों। एचडीएफसी बैंक जिसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके सीईओ है आदित्य पुरी। एचडीएफसी बैंक का स्थापना किया गया था अगस्त 1944 को, और इसका टैगलाइन है वी अंडरस्टूड योर वर्ल्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय टेली कंसल्टेशन केंद्र यानी कॉन्टेक का शुभारंभ किया है? दोस्तों किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय टेली कंसल्टेशन केंद्र का शुभारंभ किया है दोस्तों? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने दोस्तों राष्ट्रीय टेली कंसल्टेशन केंद्र का शुभारंभ किया है दोस्तों, और ये दोस्तों आपका सामने है राष्ट्रीय टेली कंसल्टेशन केंद्र। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो है हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है दोस्तों, और इन्होंने राष्ट्रीय टेली कंसल्टेशन केंद्र का शुभारंभ किया है। चलिए दोस्तों नरेंद्र मोदी जो कि भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं, और अमित शाह जो है दोस्तों ये हमारे वर्तमान में गृह मंत्री है दोस्तों, और निर्मला सीतारमन जो है ये टेक्सटाइल मिनिस्टर वर्तमान समय में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया गया? दोस्तों राजस्थान का स्थापना दिवस हाल ही में कब मनाया गया? मैं आपको बार बार बताता हूं दोस्तों, जब भी राजस्थान का क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 मार्च। 30 मार्च को दोस्तों राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि इसी दिन 30 मार्च 1949 को पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था दोस्तों राजस्थान। चलिए दोस्तों मैंने आपसे पिछले बार एक क्वेश्चन पूछा था, और पिछले बार का क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताए थे बहुत सारे लोगों ने। क्वेश्चन यह है कि हाल ही में 8वीं भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पर्यटन सम्मेलन IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 किसने जीता? तो दोस्तों आपके आंसर होगा ऑप्शन बी, जोया अख्तर ने यह जीता था दोस्तों IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020। चलिए दोस्तों मैंने आपके लिए आज का भी एक सवाल लाया है, और सवाल आपके सामने है दोस्तों। सवाल यह है कि हाल ही में किसने वेट लॉस के लिए फिट इंडिया मूवमेंट के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर आपको टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, वहां भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।